हेलो दोस्त, आज हम लोग एक और एक ऑटो फ्लेक्सिबल 3D में एक और एक नए वीडियो ट्यूटोरियल के साथ उपस्थित हुआ हूँ। इसमें आज हम लोग सीखेंगे कि एक सरफेस, एक सिलेक्टेड एरिया का सरफेस कैसे क्रिएट किया जाता है। सिलेक्टेड एरिया का सरफेस क्रिएट करने का मकसद यह है कि आप यदि सिलेक्टेड एरिया का होलू लेकिन दिखता है तो सिलेक्टेड एरिया के भावों में भी बता सकते हैं। सिलेक्टेड एरिया का इंफॉर्मेशन भी आप बता सकते हैं। इसीलिए सिलेक्टेड एरिया का सरफेस कैसे बनता है, इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्रिएट ग्राउंड डाटा ऊपर सरफेस को क्लिक करेंगे। सरफेस को क्लिक करने के बाद क्रिएट क्रॉप सरफेस क्रिएट करेंगे। उसके बाद एक क्रिएट क्रॉप सरफेस डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें सिलेक्ट सरफेस टू क्रॉप सरफेस का नाम है सरफेस वन। उसके बाद सिलेक्ट क्रॉप एरिया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको क्लिक करेंगे और जिस एरिया का हमको सिलेक्टेड एरिया का सरफेस चाहिए वहां पर जाके लोग सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद न्यू आएंगे, न्यू ड्राइंग सरफेस, इसमें जो कहते हैं क्रिएट न्यू ड्राइंग, क्रिएट ए न्यू ड्राइंग, इसको न्यू क्लिक करेंगे और उसके बाद ऑटो फ्लेक्सिबल 3D इंटीरियर या ऑटो फ्लेक्सिबल 3D मैट्रिक्स इमेज में आपका ये सरफेस है उसको क्लिक कर ओपन कर देंगे। उसके बाद ओके कर रिमूव कर देंगे। उसके बाद हम लोग को सेलेक्ट सरफेस एरिया का सरफेस बन गया, जेड स्पेस ई स्पेस को हम लोग क्लिक करेंगे और हम लोगों का सिलेक्टेड एरिया का ये सरफेस बन गया। इसको ठीक है, कंटूर फॉर्म में है, इसको ट्रायंगुलर फॉर्म में करने के लिए एडिट सरफेस स्टाइल में जाएंगे और मेजर कंटूर और माइनर कंटूर को ऑफ कर देंगे। पॉइंट है ट्रायंगल कर देंगे के बाद अप्लाई है। तो इस तरह से आप सिलेक्टेड एरिया का सरफेस बना सकते हैं और इसका उपयोग सिलेक्टेड एरिया का वॉल्यूम कैलकुलेशन और इंफॉर्मेशन सिलेक्टेड एरिया का इंफॉर्मेशन के रूप में कर सकते हैं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। भविष्य में इस तरह की ऑटो फ्लेक्सिबल से संबंधित वीडियो आपको देखने के लिए धन्यवाद।